टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। उज्जैन के मालवा के किसानों के लिए इस वर्ष गेहूं की खेती फायदे का सौदा बन गई है। यहां का गेहूं विदेशों में धूम मचा रहा है, भाव भी काफी अधिक मिल रहे हैं, व्यापार का सिस्टम भी बदल गया है। करीब 75% गेहूं निर्यात हो रहा है। नतीजतन स्थानीय उपभोक्ताओं को गत वर्ष की अपेक्षा 200 से 300 रुपए क्विंटल अधिक भाव देकर गेहूं खरीदना पड़ रहा है। कृषि उपज मंडी में सीजन में अब तक करीब 13 लाख क्विंटल गेहूं बिक्री हेतु आ चुका है, जिसमें से करीब 75% गेहूं निर्यात हो गया है। अभी भी मांग मजबूत बनी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यह स्थिति बनी है। बता दें, युद्ध के कारण दोनों ही देशों का गेहूं व्यापार लड़खड़ा गया है, जिसका फायदा भारत को मिल रहा है। निर्यातकों की जबरदस्त मांग के चलते गुजरात के कांडला बंदरगाह पर गेहूं के ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है। उज्जैन मंडी से ही अब तक 10 से 11 लाख क्विंटल गेहूं विदेश जाने के लिए कांडला बंदरगाह पहुंच चुका है। मंडी के मुख्य सड़कों पर गेहूं के ढेर पड़े हुए हैं, क्योंकि इस बार सॉटेक्स मशीनों पर सफाई के लिए गेहूं कम जा रहा है। सैकड़ों क्विंटल गेहूं का ढेर कर कांडला बंदरगाह के लिए ज्यादा भरा जा रहा है। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, मिस्र सहित अन्य देशों में मालवा का गेहूं निर्यात हो रहा है। इधर गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने निर्यातकों को मंडी शुल्क से मुक्ति दे दी है। उन्हें अप्रैल से जून तक मंडी खरीदी पर मंडी शुल्क फ्री कर दिया है। निर्यातकों को गेहूं बिक्री करने वाले कारोबारियों को छूट नहीं दी है, जबकि अधिकांश मंडियों से निर्यातक मंडी कारोबारियों से गेहूं खरीदी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।